Hi friends, this is Proskar. You are watching me on my YouTube channel. बच्चों हम देख रहे हैं वो episode number 57 देख रहे हैं. Episode number 57 के अंदर हम देखने वाले हैं radiation shield. ठीक है? तो radiation shield कब use होता है? तो radiation shield तब होता है जब भी दो चीजों उन दोनों के बीच radiation हो रहा है और radiation के through ही transfer हो रही है वो हमें रोकना है. ठीक है? So we have to reduce that amount of heat transfer which is taking place between those two things. So, जब conduction होता था तो हम insulation लगा देते लेकिन यहाँ पे insulation वाला केस नहीं आएगा. हम क्या करेंगे जब भी दो चीज है ना उसके बीच में कोई और तीसरी चीज रख देंगे. ठीक है? कैसी चीज रखेंगे जिसकी रिफ्लेक्टिविटी हाई और इमिसिविटी लो. ठीक है? ऐसी चीज हम बीच में रखेंगे तो क्या होगा कि जो 1 to 2 यानी पहले दो चीज के बीच हीट ट्रांसफर हो रहा था वो कम हो जाएगा. कैसे हो जाएगा? क्योंकि जब भी आप तीसरी चीज रखते हो ना तो वो अपनी हीट ना तो एड करता है ना तो रिमूव करता है. इट कैन नॉट ही कैन नॉट एड कि वो चीज एनर्जी एड नहीं करेगी या रिमूव नहीं करेगी पर वो क्या करेगी जब वो तीसरी चीज आप अंदर डालोगे ना बीच में दोनों के बीच में तो क्या होगा कि वो अपना रेजिस्टेंस ऐड करेगा और जब ओवरऑल जब वो अपना रेजिस्टेंस ऐड करेगा तो ओवरऑल रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा. दैट्स व्हाई आपका जो हीट ट्रांसफर हो रहा था वो रिड्यूस हो जाएगा. सो दिस इज द कांसेप्ट व्हिच इज नोन एज रेडिएशन सेल. ठीक है बच्चों? तो यहाँ पर हम देख रहे हैं पहले स्टार्टिंग में देख रहे हैं कि यहाँ पे पहले दो प्लेट है. ठीक है? अभी कोई मैंने रेडिएशन सेल या कुछ मैंने लिया नहीं है. सिंपली यहाँ पे दो प्लेट है जिसका टेम्परेचर T1 है, जिसका टेम्परेचर T1, इसका एरिया A1 है और एमिसिविटी ε1 है. इसका टेम्परेचर T2 है, एरिया A2 है, एमिसिविटी ε2 है. ठीक है? सो इन दोनों के बीच में अभी रेडिएशन हो रहा है लाइक दिस, राइट? सो नाउ व्हाट आई वांट टू डू, अब इन दोनों के बीच में हीट ट्रांसफर हो रहा है तो सबसे पहले मुझे रिड्यूस करना है. जब भी रिड्यूस करना तो मुझे पहले पता होना चाहिए ओरिजिनल हीट ट्रांसफर कितना हो रहा है. सो इन दोनों के बीच ओरिजिनल हीट ट्रांसफर कितना होगा? सो वी नो दैट T1 इज ग्रेटर देन T2, सो अज्यूमिंग T1 इज ग्रेटर देन T2, सो 1 to 2 हीट ट्रांसफर हो रहा है. So we can write this equation for parallel plate. Sigma T1 raised to 4 minus T2 raised to 4 upon epsilon 1 plus epsilon 2 minus 1. यहाँ पे area is equal to 1 ले लिया है इसलिए equation आया है. ठीक है बच्चों? ये कहाँ से equation आया तो मेरा पिछला episode number 56 आपको देखना पड़ेगा. जब आपने episode number 56 देखा होगा तभी आपको ये आएगा. ठीक है? So वहाँ पे हमने derive किया था जब भी parallel plate है तो हम ये equation use करते हैं. कौन सा है? Without cell. This is the original heat transfer. अब मुझे क्या करना है? ये जो हीट ट्रांसफर हो रही है ना Q12 उसको रिड्यूस करना है. ठीक है? तो उसको रिड्यूस करने के लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पे एक तीसरी प्लेट लगा दूंगा. सो इन बिटवीन दोस टू प्लेट्स यहाँ पे मैं लगा दूंगा. ठीक है? उसका हम एमिसिविटी ले लेते हैं एप्साइलोन 3 ले रहे हैं. ठीक है? अब इसकी जो हम एमिसिविटी लेंगे बच्चों वो बहुत ही लो होगी. सो आपको जो भी प्लेट डालनी है उसकी एमिसिविटी क्या होनी चाहिए? उसकी एमिसिविटी लो होनी चाहिए और हाईली रिफ्लेक्टिव होनी चाहिए. इट शुड बी हाईली रिफ्लेक्टिव. That material should be highly reflective होना चाहिए. तो reflectivity ज़्यादा होगी तो emissivity वैसे भी low होने वाली क्योंकि because gray surface epsilon is equal to 1 minus rho. तो reflectivity high होती है emissivity automatically low होने वाली. ठीक है? और दूसरी हम चीज़ जानते हैं R is equal to हम जानते हैं surface resistance क्या है 1 minus epsilon upon epsilon है. अगर आप epsilon की value कम लोगे यानी कि emissivity की value कम लेगे तो आपका resistance बढ़ जाएगा और resistance बढ़ जाएगा तो overall heat transfer reduce हो जाएगा. ठीक है? So this is the logic. क्या आप यहाँ पे बीच में एक ऐसी प्लेट डालोगे जिसकी एमिसिविटी लो हो रिफ्लेक्टिविटी हाई हो जिससे क्या होगा कि ये बीच प्लेट में आ जाएगी ना तो क्या होगा कि वो अपनी एनर्जी ना तो ऐड करेगी ना तो रिमूव करेगी पर करेगी क्या वो अपना रेजिस्टेंस इंट्रोड्यूस करवा देगी और जैसे रेजिस्टेंस इंट्रोड्यूस करवा देगी ना तो ओवरऑल रेजिस्टेंस आपका बढ़ जाएगा. दैट्स व्हाई द हीट ट्रांसफर रिड्यूस हो जाएगा. ठीक है? इसलिए बच्चों जब भी ऐसी चीज हो तब रेडिएशन सेल में ये लॉजिक लगाया जाता है. कहां पे यूज होता है? तो जहां पे हीट लॉस है वो हो रहा है तो हमें वो कम करना है या फिर कहीं टेम्परेचर मेजरमेंट में एरर आ रही है तो वहां पे ये सब चीजें यूज होती है. ठीक है? रेडिएशन सेल कांसेप्ट. सो यहां पे मैंने इंट्रोड्यूस करवा दिया है जिसकी एमिसिविटी एप्सिलॉन 3 है. अब ये जो करेगी ना ये रेडिएशन ये दोनों साइड हीट ट्रांसफर कर रही है. ठीक है? तो इस तरीके से कुछ काम कर रही है. तो अब मैं क्या करूंगा कि अब इसका टेम्परेचर T1 है, इसका T2 है. ठीक है? और इसका टेम्परेचर एक समय ऐसा आएगा कि इसका टेम्परेचर T3 हो जाएगा. अब कैसा होगा T3? तो यहाँ पे कुछ अलग टेम्परेचर है, यहाँ पे कुछ अलग है और यहाँ पे कुछ अलग है लेकिन बीच की प्लेटें एक समय ऐसा आएगा, एक ऐसी स्टेडी स्टेट वो रीच करेगी कि उसका टेम्परेचर T3 हो जाएगा. उसके बाद ना तो उसका बढ़ेगा ना तो कम होगा. सो नाउ वी आर एट स्टेडी स्टेट टेम्परेचर. तो मान लो कि ये जो बीच में प्लेट रखी है उसने स्टेडी स्टेट टेम्परेचर अपना अटेन कर लिया है. अब उसका टेम्परेचर कितना होगा? T3. यानी अब ये उसने दोनों के बीच में पहले बहुत सारा इंटरेक्शन होगा लेकिन एक समय ऐसा आएगा कि इसका टेम्परेचर स्टेबल हो जाएगा, फिर वो बढ़ेगा भी नहीं और कम भी नहीं होगा. तो वो स्टेबल कितना होगा? T3. ठीक है? अब उसमें कोई फर्क नहीं होने वाला है. सो नाउ इट्स स्टेडी स्टेट टेम्परेचर T3. अगर ये स्टेडी स्टेट हो गया तो क्या होगा बच्चों? अगर ये इसने स्टेडी स्टेट अटेंड कर ली है तो आप ये जो 1 से 3 को जितना भी देखो ना हीट ट्रांसफर वो नहीं एब्सॉर्ब करने वाला. वो क्या करेगा? क्योंकि वो स्टेडी स्टेट है तो वो लेगा नहीं, वो उसको आगे भेज देगा. यानी ये 1 to 3 जितनी हीट जाएगी ना उतनी हीट 3 कितने को भेज देगा? 2 को भेज देगा. ठीक है? सो एट स्टेडी स्टेट टेम्परेचर वट एवर दी हीट गिवन बाय द 1 to 3 द सेम हीट विल बी रिजेक्टेड बाय 3 to 2 2.
सो एट स्टेडी स्टेट टेम्परेचर Q13 इक्वल टू क्या है Q32 व्हिच इज आवर Q-12 ठीक है उसको 122 भी बोल सकते हो क्योंकि पहले क्या था 122 50 वोल्ट मान लो डायरेक्ट जा रहा था अब क्या हो रहा है पहले ये 50 वोल्ट इसको देगा फिर ये 50 वोल्ट उसको देगा सो वी कैन राइट Q-12 Q-12 इसलिए यहां पे लिखा है क्योंकि इट इज विद सील्ड है ठीक है Q-12 मतलब विद सील्ड तो Q-12 इज इक्वल टू ही Q13 होता है और इज इक्वल टू Q32 होता है ये तीनों चीज एक ही है ठीक है इसमें कोई फर्क नहीं है सो Q13 के लिए मैं इसे लिख सकता हूं इस तरीके से यहां पे T2 की जगह पे क्या आ जाएगा T3 और एप्सिलॉन की जगह पे आ जाएगा एप्सिलॉन इसी तरीके से 32 है तो मैं यहां पे क्या लिख सकता हूं 3232 इस तरीके से आ जाएगा ठीक है बच्चों अब ये जो नीचे वाली चीज है ना आई एम अज्यूमिंग इट इज एज x और ये नीचे वाला डिनोमिनेटर है आई एम अज्यूमिंग इट एज y सो यहां पे मैंने लिख दिया x और y ये दोनों चीजें नीचे वाली चीज को x और y अज्यूम कर लिया ठीक है अब इसका सिंपलीफिकेशन करते हैं बच्चों तो ये जो T3 T3 4 अपॉन y वो एज इट इज यहां पर रहेगा लेकिन ये माइनस T3 4 अपॉन x उस साइड आ जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस इसलिए प्लस T3 4x प्लस T3 4y इसी तरीके से T1 4x है वो तो प्लस रहेगा लेकिन माइनस वाला जो चीज है इधर आ जाएगी तो क्या हो जाएगा प्लस T2 4y अब देखो इसमें क्या होगा बच्चों इसमें T3 4 कॉमन निकालोगे तो अंदर बचेगा क्या 1 अपॉन x प्लस 1 अपॉन y इसमें T3 4 कॉमन निकालो 1 अपॉन x प्लस 1 अपॉन y का सिंप्लीफिकेशन क्या होगा x प्लस y अपॉन एक्स वाई तो देखो यहाँ पे एक्स प्लस वाई इंटू T3 4 है अब नीचे के एक्स वाई कहाँ का मैं आपको बताता हूँ सेम यहाँ पे वाई T1 4 प्लस X T2 4 नीचे क्या बचेगा एक्स वाई तो इसका एक्स और इसका एक्स वाई क्या हो जाएगा कैंसिल इसलिए यहाँ पे सिर्फ एक्स प्लस वाई समझ में आ गया अब यहाँ से बच्चों T3 4 को सब्जेक्ट बनाइए तो T3 4 को सब्जेक्ट बनाओगे तो ये चीज आएगी अब हमें क्या करना है बच्चों जो भी हमने यहाँ पे T3 4 की वैल्यू फाइंड करी है ये यहाँ से हमने T3 4 को सब्जेक्ट ये वैल्यू फाइंड करी है ना ये हमें यहाँ पे रख देना है Q13 में सो आई कैन राइट Q13 सिग्मा T1 4 T3 4 की जगह पे ये वैल्यू रख के यहाँ पे लिख दी मैंने T3 4 की लिखी अपॉन ये पूरी की पूरी चीज क्या है x इसलिए यहाँ पे x है ठीक है अब इसका आप सिंप्लीफिकेशन करोगे तो बच्चे कुछ हमें इस तरीके से आंसर मिलेगा ठीक है तो इस तरीके से आंसर मिल गया तो हमें x प्लस वाई तो अभी x की जो वैल्यू थी यहाँ पे रख दो y की जो वैल्यू अज्यूम करी थी वो यहाँ पे रखो तो इसका आप सिंप्लीफाई करोगे तो आपको इस तरीके से आंसर मिलेगा यानी क्या मिला Q-12 Q13 इक्वल टू Q32 इस तरीके से हमें आंसर मिला है क्या है विद सील्ड ठीक है अगर बच्चों आपको विद सील्ड होगा ना तो आपका जो हीट ट्रांसफर का इक्वेशन आएगा कुछ इस तरीके से आप ध्यान से देखें बच्चों कि एप्सिलॉन एप्सिलॉन तो पहले दिखा लेकिन अब क्या हुआ एप्सिलॉन 3 यहां पे इंट्रोड्यूस होगा एक ज्यादा रेजिस्टेंस एड होगा देखो पहले इतना था जब मैंने सील्ड लगाया तो इतना रेजिस्टेंस बढ़ गया वो भी कितना उसका 2 times ठीक है तो 1 अपॉन एप्सिलॉन 3 तो लो है एप्सिलॉन 3 की वैल्यू हमने एमिसिविटी लो लेके रखी हुई है तो 1 अपॉन एप्सिलॉन 3 यानी 1 अपॉन लो क्या होगा हाई और नॉट ओनली दैट हाई इनटू मल्टीप्लाई बाय 2 वो भी कितनी बिग अमाउंट हो जाएगी तो ये पूरा रेजिस्टेंस है ना इंक्रीज हो जाएगा तो ओवरऑल रेजिस्टेंस विल इंक्रीज दैट्स व्हाई द नेट हीट ट्रांसफर विल बी डिक्रीज ठीक है तो बच्चों इस तरीके से पूरा लॉजिक काम करता है तो ये विद सील्ड वाला इक्वेशन है और विदाउट सील्ड वाला इक्वेशन है ठीक है अब मुझे कंपैरिजन करना है कितना अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसफर रिड्यूस हुआ तो वो कंपैरिजन करने के लिए आई एम अज्यूमिंग के मान लो कि तीनों की एमिसिविटी सेम थी जिसकी एप्सिलॉन तो मैं तीनों की एमिसिविटी क्या ले रहा हूं सेम एप्सिलॉन 1 इक्वल टू एप्सिलॉन 2 इक्वल टू एप्सिलॉन इक्वल टू क्या ले रहा हूं एप्सिलॉन ठीक है सो कैन आई राइट हियर एप्सिलॉन 1 एप्सिलॉन 2 एप्सिलॉन 3 इक्वल टू एप्सिलॉन तो मैंने यहां पे रखा है तो ये 1 अपॉन एप्सिलॉन क्या हो जाएगा 2 अपॉन एप्सिलॉन ये तो 2 अपॉन एप्सिलॉन माइनस 1 ठीक है अब यहां से नीचे से बच्चों दो दो कॉमन निकल गई माइनस 1 भी माइनस 2 ही है तो सारी जगह पे दो दो है तो दो कॉमन निकल गया क्या बचा 1 अपॉन एप्सिलॉन प्लस 1 अपॉन एप्सिलॉन माइनस 1 अब ध्यान से देखें बच्चों ये क्या है अपना लुक एट हियर ये क्या है अपना ये तो सेम चीज है यहाँ पे एप्सिलॉन रखी ये क्या चीज है सेम चीज तो है तो ये क्या हुआ ये Q1/2 यानी Q-1/2 इज इक्वल टू 1/2 और ये कितना है Q1/2 सो Q-1/2 यानी विद सील्ड इज इक्वल टू 1/2 Q12 विदाउट सील्ड यानी वो 50% हीट ट्रांसफर रिड्यूस कर देगा बाय इंट्रोड्यूसिंग जस्ट वन प्लेट आई एम रिड्यूसिंग हीट ट्रांसफर बाय 50% ये बता रहा है ठीक है आपको और भी रिड्यूस करना है तो आप मोर नंबर ऑफ प्लेट इसके अंदर इंट्रोड्यूस कराए ठीक है तो बच्चों इस तरीके से लॉजिक काम करता है आपको लेक्चर पसंद आएगा पसंद है इसको लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब करें फाइनेंस डे बाय